नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल स्टार्ट 186 में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने Facebook के अकाउंट में आप अपना Facebook का स्टोरी का सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने Facebook में चले जाएंगे। Facebook में जाने के दोस्तों अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा हो तो लॉगिन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह मेरा Facebook का अकाउंट है, अगर आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो होम पे चले जाना है। होम पे जाने दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डेस्क का लाइन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने दोस्तों आपके सामने कुछ रिसेंट फेसबुक आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन दिख, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने दोस्तों आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सेटिंग ऑप्शन पर आपको चले जाना है। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के दोस्तों यहाँ पर स्टोरी सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो स्टोरी सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका स्टोरी का सेटिंग यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टोरी प्राइवेसी में जाना है आपको। स्टोरी प्राइवेसी में जाने के दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपका स्टोरी कौन कौन देख सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पब्लिक कर रखा हूँ, मेरा स्टोरी कोई भी देख सकता है, जो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में नहीं होगा वो अभी देख लेगा स्टोरी दोस्तों। तो आप अगर फ्रेंड करना चाहें तो फ्रेंड भी कर सकते हैं। तो मैं पब्लिक ही रहने देता हूँ, आप भी पब्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने में दोस्तों यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करो दोस्तों आपके सामने फेसबुक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अलाउ अदर पर क्लिक कर देना है, पहले वाले पर। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपना स्टोरी शेयर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दोस्तों जो आपने फेसबुक की स्टोरी पर अपलोड किए हैं स्टोरी कोई शेयर ना करे तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कोई भी बंदा आपका स्टोरी शेयर कर दे तो पब्लिक पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो मैं पब्लिक पर क्लिक कर रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं बैक आ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलाउ पीपल टू शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यह नहीं खुल रहा है तो मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा स्टोरी, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जो स्टोरी अपलोड करेंगे अपने फेसबुक स्टोरी पर वो आपके फ़ोन में गैलरी में सेव करना चाहें तो यहाँ पर ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। जो भी स्टोरी आप अपलोड करेंगे वो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मेरा ऑन है दोस्तों। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टोरी हाईलाइट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ दोस्तों, स्टोरी हाईलाइट कैसे करते हैं फेसबुक पर। तो आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है। तो स्टोरी हाईलाइट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं पब्लिक कर दूँगा, मेरा कोई भी स्टोरी जो हाईलाइट किया होगा वो कोई भी देख सकता है। आप अगर फ्रेंड रखना चाहें तो फ्रेंड भी रख सकते हैं। तो मैं पब्लिक ही जाने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों स्टोरी म्यूटेड, तो इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो इस पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है दोस्तों, तो मैं बैक आ जाता हूँ। तो दोस्तों यही इतनी सेटिंग है फेसबुक की स्टोरी की सेटिंग करने के लिए। तो दोस्तों मैं हाईलाइट का बोला था तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपना फेसबुक की स्टोरी पर हाईलाइट लगा रखा हूँ, आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारे हाईलाइट यहाँ पर लगा रखा हूँ। तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा हूँ दोस्तों, यह हाईलाइट आप कैसे लगा सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।